हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोमोर किचन में स्वागत है। और आज हम परवल और बैंगन का भरवा बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमने देखिए फ्रेश कटे हुए परवल ले लिए हैं, जिसका हमने वो निकाल दिया है, इसका बीज निकाल दिया है। आप देखेंगे इसको ओपन करके देखिए, इसका बीज निकाल दिया गया है। ठीक है, आप ऐसे ही बैंगन के साथ भी करेंगे, बैंगन का भी निकाल दिया गया है। और इसके बाद से आगे देखिए इसमें मसाला कौन कौन सा यूज करेंगे। तो इसमें लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और पीला वाला जो सरसों होता है या राई बोलते हैं उसको, तो आप वही यूज करेंगे। इसका पेस्ट बना लीजिए। और हम सरसों का तेल यूज करेंगे, या रिफाइंड हो तो रिफाइंड भी आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें देखिए मसाले कौन कौन सा हम यूज करेंगे। तो हमने मसाले लिए इसमें यूज करने के लिए, ये नॉर्मल साल्ट लिए हैं, उसके बाद से ये लाल मिर्च पाउडर है, लेकिन ये तीखा नहीं है, ये कलर के लिए होता है। उसके बाद से ये हल्दी हो गया, और ये हो गया आपका एवरेस्ट मसाला हो गया, ये हो गया नॉर्मल मिर्च हो गया तीखापन के लिए। ये हमने पंचफोरन लिया है, इसमें हम जीरा नहीं यूज करेंगे, पंचफोरन यूज करेंगे। और ये है खड़ा मसाला है। ये सभी इंग्रेडिएंट्स होंगे जो हम ये भरवा बनाने के लिए यूज करेंगे। तो आइए एक एक करके अगला प्रोसेस हम, ये देखिए हम फ्राई पैन रख दिए गर्म होने के लिए। अब इसको गर्म करके इसमें तेल डालेंगे। तेल बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे। इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको हल्का फ्राई करेंगे, ठीक है, और इसको पलटते रहेंगे। अब देखिए इसमें हम सरसों का तेल डालने जा रहे हैं, क्योंकि कढ़ाई हमारी जो फ्राई पैन है वो गर्म हो चुकी है। देखिए कितना तेल यूज करना है, बस इतना तेल सफिशियंट होगा, क्योंकि इसी में हमें इसे पलट पलट के और पकाते जाना है। ये देखिए हमने पंचफोरन का इसमें तड़का लगा दिया, तेल गर्म हो गया था थोड़ा सा, तो हमने पंचफोरन का तड़का लगा दिया। इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि तीखापन ना रहे। और इसके बाद से हम जो हमने वो लिया है उसमें भरेंगे परवल और बैंगन, उसके बाद से इसमें एक एक करके रखते जाएंगे। ये देखिए हमने जो पेस्ट तैयार किया था, उस पेस्ट को हम क्या करेंगे, पहले पका लेंगे। और इसमें जो जितने भी मसाले हमने लिए थे, सभी मसालों को डाल के पहले इसको बढ़िया से पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट को अच्छे से पका लेंगे, ये जब सूखा हो जाएगा तब इसको भरेंगे, फिर प्रोसेस आएगा इसको पकाने वाला, ठीक है। एक एक करके अब देखिए इसको हम, इसमें जितने भी मसाले हैं एक एक करके इसमें हम डालते जाएंगे। तो पहले हमने डाला हल्दी, हल्दी आप हिसाब से डालेंगे। उसके बाद से हम ये ले लिया एवरेस्ट का थोड़ा सा गरम मसाला है ये भी, ये हो गया लाल मिर्च पाउडर जो कश्मीरी मिर्च पाउडर है, ये कलर के लिए, कलर बहुत अच्छा दिखेगा। ये हमने ले लिया नॉर्मल मिर्च जो थोड़ा सा तीखापन लगेगा। आप हरा मिर्च पेस्ट में यूज करेंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च यूज कर सकते हैं, और जो आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं। ये हमने गरम मसाला ले लिया खड़ा, ये एक साबुत गरम मसाला है, देखिए कितना बेहतरीन कलर आ रहा है। ये हो गया नमक, ठीक है, आप टेस्ट के हिसाब से नमक यूज करेंगे, जितना आप नमक खाते हैं। कोशिश यही करना चाहिए नमक हल्का ही रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर जो नमक है तो कहीं ना कहीं बीपी की समस्या क्रिएट हो जाती है। अब इसको हम पकाएंगे, थोड़ी देर पकाने के बाद फिर अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये दिखने लगेगा, उसके बाद से हम फिर इसको यूज, ये आप देख सकते हैं 6-7 मिनट लगभग पकने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी इसको हम 4-5 मिनट और पकाएंगे, ताकि इसमें जो पानी है वो जल जाए, और जब ये सूखा सूखा दिखने लगेगा फिर हम इसको भरने के लिए, समझिए तैयार हो गया, तब इसको हम फिर परवल और बैंगन में भरेंगे। अब देखिए ये 10 मिनट पकने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और ये पानी पूरी तरीके से जल चुका है। और थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालेंगे और ये टेस्ट को और थोड़ा सा इन्हेंस कर देगा। अरे भाई, भरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब आगे हम भरने का प्रोसेस देखते हैं। एक चम्मच लीजिए और मसाला धीरे धीरे करके इसमें भर लेना है, उतना ही भरना है जितना इसमें आ सके, इतना नहीं भर देना है कि बाहर एकदम फ्लो करने लगे। तो देखिए एक एक करके ऐसे इसी तरीके से आप भर लेंगे। अभी हमने बैगन का ले लिया, व्हाइट वाला बैगन जो है, सफ़ेद बैगन, ये भरवा के लिए बहुत फेमस है, शादी वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज होता है व्हाइट वाला। बाकी अगर जो अवेलेबल होता है आप घर पे भी यूज कीजिए। अब हम इसमें तेल डालेंगे, थोड़ा सा बस तेल डालेंगे, बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है, नॉन स्टिक फ्राई पैन है तो पकड़ने कोई चांस नहीं है इसमें। डीप फ्राई नहीं करना है तो हल्के हल्के तेल में हम इसको पका लेंगे। तो अब जो हम जो भरवा है उसको हमने भर लिया है, अब उसको एक एक करके इसमें सजा के रखते जाएंगे और ये पकता जाएगा। देखिए तेल पूरी तरीके से गर्म हो गया है, अब इसमें हम देर नहीं करेंगे, फटाफट डालेंगे इसमें। ये देखिए इसी तरीके से इसको रखते जाना है,
जब ये पक जाएगा कुछ मिनट बाद, इसको पकाने के बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, पलटेंगे। थोड़ा सा इसको ढकना नहीं होता है, लेकिन तेल में थोड़ा सा पानी चला गया तो इसलिए वो तड़क रहा है। बाकी आप पानी से बचाएंगे इसको, क्योंकि तेल और पानी का बिल्कुल नहीं बनता है। देखिए लगभग 3 मिनट पकाने के बाद मैंने इसको पलट लिया है। अब दूसरे साइड में पकाएंगे और इसको फिर पलटेंगे, ज़रूरत के हिसाब से। अगर नहीं पका होगा तो और पलटेंगे, क्योंकि परवल थोड़ा सा वक्त लेगा और बैंगन जल्दी पक जाएगा, इसी हिसाब से हम इसको पकाएंगे। अब देख सकते हैं आप, ये पूरी तरीके से बैंगन और परवल सभी पक के तैयार हैं। अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे और ये सर्व करेंगे। खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बिल्कुल क्लोज व्यू देख लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो बैंगन और परवल का भरवा है पूरी तरीके से बन के तैयार है और बहुत ही लजीज दिख रहा है। अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप ये डिश ट्राई कीजिए, अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।